subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world. तो चलिए वक्त हो चला है आपके फेवरेट सीरियल यानी कि ये रिश्ता क्या कहलाता है से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचाने का। पर इससे पहले बताएं आपको कि क्या कुछ हुआ बीते एपिसोड में, जहां एक तरफ देखने को मिला कि किस तरह से कायरव को चक्कर आ जाता है और वो बेहोश हो जाता है। नायरा उसको लेकर हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पर डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं और नायरा से उसकी पूरी हिस्ट्री मांगते हैं। जी हाँ, वो नायरा से कहते हैं कि आपको बीते साल पहले कोई बीमारी तो नहीं थी। जिस बात के चलते होता है कुछ यूँ कि नायरा बहुत ज्यादा घबरा जाती है और डॉक्टर से कहती है कि वो जल्द ही रिपोर्ट का अरेंजमेंट कर लेगी। वहीं पर दूसरी तरफ देखने को मिला कि वेदिका झूले से गिर जाती है, लेकिन कार्तिक उसको सही समय पर पहुंचकर बचा लेता है और वेदिका के दिल में कहीं ना कहीं कार्तिक के लिए प्यार और ज्यादा बढ़ जाता है। आपको बताएं कि जहां पर वेदिका और फैमिली बहुत ज्यादा खुश है, तो वहीं पर नायरा की मुसीबतें बढ़ने वाली है, क्योंकि उसको अपनी हिस्ट्री रिपोर्ट लेने के लिए फिर से उदयपुर आना पड़ेगा। जी हाँ, एक बार फिर से नायरा उदयपुर आने वाली है हॉस्पिटल के अंदर अपनी रिपोर्ट्स को कलेक्ट करने के लिए, लेकिन वहां पर होगा कुछ यूं कि ये बात पता चल जाएगी डॉक्टर को कि नायरा जिंदा है। जिस डॉक्टर ने नायरा का पहले इलाज करा था, उसको ये बात पता चलने वाली है। अब ऐसे में ये देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा कि ये डॉक्टर बता देगी कार्तिक को कि नायरा जिंदा है, या फिर कार्तिक को पता चल जाएगा कि कायरव हॉस्पिटल के अंदर है। वेल, कार्तिक को कौन सी बात पहले पता चलती है, ये देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। आपकी क्या राय है इस बारे में अपने कमेंट्स के थ्रू हमें जरूर बताइएगा। लेकिन तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल 24x7 ऑनलाइन न्यूज निज़म की रिपोर्ट। सब्सक्राइब अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट ऑफ योर वर्ल्ड।